बेनिफिशियंस न्यूट्री परफेक्ट नाइट क्रीम बेस्ट है। जैपनीज क्रीम। ये जैपनीज क्रीम है। अच्छा ये लगाई है जी अभी फेस पर, और मैं चेक कर रही हूँ ये एक लेंस ऐसे क्यों पड़ा हुआ है, इसका कैप नहीं लगाना। और एक और भी था वो कहाँ गया प्रोडक्ट। हाँ ये दिखाओ, ये क्या है, फेस मास्क है बॉडी शॉप। ये अच्छा है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक हूँ, एंड आई होप आप लोग भी अपने घरों में ठीक ठाक होंगे और मेरे व्लॉग्स को इंजॉय कर रहे होंगे। और आज का व्लॉग है कुछ स्पेशल, डिफरेंट चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। यहाँ पर मेरी मम्मा ने रोटी बनाई थी, बड़ी स्पेशल किस्म की ये रोटी है। ये इसके अंदर जो सारी फिलिंग है ना, ये चटनी है बेसिकली। इसके अंदर देसी लहसुन और लाल मिर्च, बहुत मज़े की ये रोटी थी, लेकिन थोड़ी सी स्पाइसी थी। तो आज सुबह में हमने ये इंजॉय की। मेरी यहाँ पे ये रूटीन है कि फजर के बाद जैसे मेरे पेरेंट्स उठते हैं, थोड़ी देर बाद मैं और आमना उठ जाते हैं, और जो हमारा एक मिनी सा ब्रेकफास्ट होता है ना, वो अपने पेरेंट्स के साथ होता है। और उसके बाद जब बच्चे उठ जाते हैं, फिर हमारा सही वाला ब्रेकफास्ट होता है, जैसे कि आपको ये नज़र आ रहा है। अंडा एंड चाय। ये रात को खतीजा ने कॉफ़ी बनाई थी मेरे लिए, अपने लिए। देखिए ऊपर स्माइली फेस भी मेरे लिए उसने बनाया। माशाल्लाह से ऐसे कामों में एक्सपर्ट है, लाइक ब्राउनीज़ बनानी है, केक बेक करना है, बेकिंग के आइटम्स में एक्सपर्ट है। बहुत मज़े की चीज़ें बनाती हैं। इसे मुझे गार्लिक ब्रेड भी बना के खिलाई थी, वो भी बहुत टेस्टी थी। और साथ में ये मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, मेरी मामा का देसी लहसुन जो कि बाहर सेहन में पड़ा रहता है ओपनली बिल्कुल, और ये कोई शादी में ही बास्केट यूज़ हुई थी उसको, वो इस पर्पज़ के लिए यूज़ करती है। आज मेरी पुप्पो वगैरह आ रही हैं, तो ये भी सैलड मैंने रेडी किया है, ये देखें। और ये देखें साथ में सालन बनाया है, चिकन शोरबे वाला। इट लुक्स सो डिलीशियस। तो यहाँ पर मेरी पुप्पो वगैरह सब आ गई हैं, सारी पुप्पो तो नहीं आई, यहाँ पर तीन पुप्पो मेरी मिसिंग है, सिर्फ तीन पुप्पोज आई हैं। चलें, वीडियो है, पिक्चर तो नहीं है। चलें, जाएं 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 जाए। ज़बरदस्त सूट है पापा। अम्मी इधर आएं ज़रा, पापा के ऊपर वो गाना तो सुना दें, आज काला जोड़ा पाव वाला। देखें ज़रा, माशाल्लाह आज तो ठाकुर लग रहे हैं। मैंने पकड़ के जबरदस्ती इनको सोफे पे बिठाया। अच्छा ये जो पिक्चर है, ये मेरी मामा है और ये हमारे सौदिया के घर की, और ये मेरी इंगेजमेंट वाले दिन की है। साथ में मेरी मदर इन लॉ बैठी हुई हैं, बिल्कुल थोड़ी सी नज़र आ रही हैं, क्लियर नज़र नहीं आ रहा। और ये मेरे पापा हैं, और ये इनकी न्यूयॉर्क की पिक्चर है, बहुत साल पुरानी। और ये है हमारी सबसे छोटी वाली जो मेरी सिस्टर है, बीबी सिस्टर वो। और ये यहाँ लाहौर के घर की पिक्चर है, लाइक ये 90s की कोई पिक्चर होगी। फिर मेरा आपने व्लॉग देखा होगा तो मेरे बेडरूम में ये वाली पिक्चर्स है मेरे पेरेंट्स की। यहाँ पर आमना अपनी फ्रेंड के साथ ऑसिस क्लब जा रही है, मेंबरशिप है यहाँ पे लाहौर में उसकी 8 लाख। 8 लाख में आपको मेंबरशिप मिलती है। और जब ये वापस आई इसने बताया कि बहुत अच्छी जगह थी, वहाँ पे डिफरेंट एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, बच्चे फुल टाइम एंजॉय कर सकते हैं, स्विमिंग, हॉर्स राइडिंग सब कुछ वहाँ पर है। और जो यहाँ पर लोग रहते हैं, वेल सेटल्ड हैं, वो लोग यहाँ की मेंबरशिप लेकर रखते हैं। ये अपनी फ्रेंड के साथ गई थी, जो उसकी फ्रेंड यहाँ पर थी, माशाल्लाह से बहुत अच्छी इसकी फ्रेंड्स हैं। और वो इसके कॉलेज के टाइम से, लाइक जब ये लोग मेडिकल स्टूडेंट थे, तब से ही साथ चल रही हैं। और यही चीज़ होनी चाहिए। यहाँ पर मेरे दुपट्टे के साथ कुछ गड़बड़ हो गई थी, वो मैं अरमान के साथ गई थी और दुपट्टे को मैंने चेंज करवाया। साथ में वापसी पर कहते हैं मामा मुझे जलालसंस नज़र आ गया, तो मुझे कुछ ले दे, कुछ पेस्ट्री वगैरह इस तरह के कुछ आइटम्स, यू नो बेकरी के। तो बस वहाँ से मैंने ये सब चीज़ें लीं, और आज हम लोग तैयार हो रहे हैं अपने चचा की तरफ जाने के लिए। माशाल्लाह से मतलब बारी नहीं आ रही, कभी कोई इन्वाइट कर लेता है, कभी कोई इन्वाइट कर लेता है। तो यहाँ पे मैंने बोला एलिन को, आप जल्दी से रेडी हो जाओ, और अरुष रेडी होके बैठ गई है, और अपना मेकअप का जो सामान है वो अपने साथ रख के बैठी हुई है। लेयर्स
बेकरी वालों की तो हमने करवा दी हैं मोजें, घर पे दिल करता है तो वहाँ से ऑर्डर, कहीं पे जाना है तो वहाँ से केक्स ऑर्डर, और यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ ये चचा के लिए परफ्यूम था, और साथ में ये जो शॉपर में नज़र आ रहे हैं मैंने बनानास रखे थे क्योंकि अरूष का कुछ पेट में गड़बड़ वाला सिस्टम ऑन है, अरूष नहीं बल्कि दूसरे बच्चों का भी। और ये हम लोग पहुंच चुके हैं अपने चचा के घर, साथ में मैं आपको अपने मैचिंग शूज़ और अपना ड्रेस दिखा रही हूँ। खाना माशाल्लाह आउट क्लास, देखें जी आपको नज़र आ रहा है मेरी कज़न्स दोनों यहाँ पर आ गई थी, दोनों माशाल्लाह से मैरिड हैं, अपने घर से स्पेशल आई थी हमारे लिए और आके अच्छा अच्छा सा उन्होंने खाना बनाया। ये बिरयानी नज़र आ रही है आपको, साथ में कबाब थे, आलू मेथी का सालन था और आई थिंक गोश्त का कोरमा था, ये गोश्त का कोरमा है। बहुत मज़े का खाना था, बहुत मज़ा आया। खाना तो आप छोड़ें एक तरफ होता है लेकिन जो बैठ के गॉसिप्स होती हैं, जो बचपन की बातें होती हैं, असल जो मज़ा है ना वो इस चीज़ का होता है। खाना और खाने पे बुलाना ये सब तो एक बहाना होता है जो मुझे लगता है। तो माशाल्लाह से बहुत मज़ा आया, यहाँ पर भी बहुत दिल से बहुत प्यार से उन लोगों ने खाना रेडी किया था और बच्चों को ये स्वीट डिश बहुत अच्छी लगी। ये ऊपर आई थिंक केक था, सुपर केक आजकल काफ़ी इन हो गया है पाकिस्तान में, मैंने भी वैसे टेस्ट किया, बच्चे भी माशाल्लाह शौक से खा रहे हैं, तो वो ऊपर इन्होंने स्प्रिंकल कर दिया था। और यहाँ पर मैं चाय इंजॉय कर रही हूँ, चाय के बगैर अब गुजारा नहीं है। और कप देखें कितना खूबसूरत है, कप खूबसूरत हो तो चाय का मज़ा दुबाला हो जाता है। तो यहाँ पर घर वापसी हो चुकी है, बच्चे माशाल्लाह से अपना खेल रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। आई होप आज का व्लॉग आपने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया होगा। अपना ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट व्लॉग में जल्द मुलाकात होगी। अंटिल देन टेक केयर एंड खुदा हाफिज़।